यूपी के सीतापुर में सनसनीखेज वारदात हुई। यहां एक नाबालिग लड़की के साथ रेप के बाद हत्या का आरोप लगा है। ये सनसनीखेज आरोप लड़की के मौसा पर है। पीड़ित परिवार ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवा दी है। का साहब ये गन्ना में शौच कराई गई रहा। अच्छा, और तो वहाँ हमारे साढ़ू मोटरसाइकिल दूसरे गांव हुई के लायक। साढ़ू का क्या नाम है आपके? साढ़ू सर्वेश नाम। अच्छा, तो कितने बजे शौच के लिए गई थी आपकी बिटिया? शौच करीब करीब 5:30 बजे। अच्छा, आप लोगों को जानकारी कितने बजे हुई? हम फोन तुम्हारी लड़की हुआ पड़ी है तो उठा लो तब उठावे। पीड़ित परिवार का कहना है कि नाबालिग शाम के समय शौच के लिए निकली थी, जिसके बाद घर नहीं लौटी। तलाश किया गया तो पता चला लड़की गन्ने के खेत में बेहोशी की हालत में पड़ी है और थोड़ी दूरी पर आरोपी सर्वेश भी मौजूद था। भीड़ देखकर आरोपी वहां से भाग निकला। क्या आपने साढ़ू से कोई बातचीत की अभी इसके बाद, इस मामले के बाद? हुई है। साढ़ू क्या बता रहे थे? साढ़ू ने बताया हम कहीं कहा बात यहाँ करने आए थे तुम जब तो कहीं वो ढाबा पर के कैलाश है उनके संग आए थे तो हम कहें तुम घर पर चलो तब बात करो चले और वो वहां से अपने घर भाग गया। हालत गंभीर देखते हुए लड़की को फौरन एम्बुलेंस से अस्पताल लाया गया जहां डॉक्टर्स ने उसको मृत घोषित कर दिया। आरोपी सर्वेश बाराबंकी का रहने वाला है। घटना के बाद आरोपी सर्वेश फरार है। सिदौली पुलिस ने आरोपी को पकड़ने के लिए टीम बनाकर दबिश के लिए भेज दिया। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जल्द सर्वेश सलाखों के पीछे होगा। सिदौली से गुरप्रीत सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, स्टार न्यूज।